अटरू में ब्लॉक स्तरीय राजीव गांधी ग्रामीण खेलकूद प्रतियोगिता का समापन समारोह पूर्वक नई धान मंडी प्रांगण में किया गया। विधायक पाना चंद मेघवाल की मुख्य अतिथि में आयोजित समापन समारोह की अध्यक्षता उपखंड अधिकारी दिनेश मीणा ने की। कार्यक्रम में वशिष्ठ अतिथि प्रधान वंदना नागर, चेयरमैन सुशीला बाई, ब्लॉक शिक्षा अधिकारी गंगा प्रसाद मीणा, जिला परिषद सदस्य योगेश नागर, हेमंत नागर रहे। आयोजित कार्यक्रम में सर्वप्रथम स्वागत की बेला में कार्यक्रम संयोजक प्रधानाचार्य चंद्र मोहन मीणा, DSP सोजीलाल बृहत, निरीक्षक रामगिलास गुर्जर, हाथी दिलो सरपंच नवल धाकड़, वीरेंद्र सिंह, भामा शाह, नरेंद्र सिंह चौहान, इंद्र गंदोलिया, वरिष्ठ कांग्रेस नेता जगदीश सुम्बालका, पवन मालवीय, जगदीप सिंह दरवार, देवकरण मीणा, दिनेश प्रताप सिंह का स्वागत किया गया। कार्यक्रम में प्राचार्य चंद्र मोहन मीणा ने बताया कि 12 सितंबर से आयोजित ग्रामीण ओलंपिक में बारिश के खलल के बावजूद अनवरत खेल जारी रहा। ब्लॉक शिक्षा अधिकारी गंगा प्रसाद मीणा ने कहा कि विषम परिस्थितियों के बावजूद प्रतियोगिता जारी रही, इसकी हमें खुशी है। बता दें आपको कि प्रतियोगिता आयोजन में शारीरिक शिक्षक रामलीला मीणा, राम प्रताप गोचर, राजेंद्र शर्मा, इकबाल अहमद, मनोज गुर्जर समेत 40 रेफरी मौजूद रहे। कार्यक्रम का कुशल संचालन मधुसूदन गौतम ने किया। कार्यक्रम दौरान बालीबाल, कबड्डी, क्रिकेट, खो खो में विजेता उप विजेता टीमों को सम्मान से नवाजते हुए शील्ड व प्रमाण पत्र दिए गए। वहीं विधायक पाना चंद मेघवाल ने विजेता व उप विजेता टीमों को क्रमशः 21,000 व 11,000 रुपये का पुरस्कार दिया। इसमें प्रथम स्थान पर रही आपका स्वागत अभिनंदन। इसी कड़ी में इकबाल जी अहमद, जो कि बहुत ही अनुभवी हमारे शारीरिक शिक्षक हैं और आपका मार्गदर्शन हमेशा हमेशा हमें मिलता रहता है, मैं स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं और मंच पे आने के लिए आपको आवाज देता हूं। कृपया मंच पर पधारें। आपका देखते रहिए DB भारती समाचार, नजर हर खबर पर।